नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाली, यदि आप एक भारतीय नागरिक है तो आपको कभी ना कभी जो है राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी योजना का लाभ जरूर मिलता होगा या फिर मिल रहा होगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यदि आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर अभी आप ले रहे हैं तो आपको जो NPCI लिंक जरूर चेक करना चाहिए। यदि आपका जो है NPCI लिंक नहीं होता है तो आपको जो है अगर किसी भी सरकारी योजना का लाभ अभी तक मिल रहा था, आने वाले समय में आपका हो सकता है बंद भी हो सकता है, या फिर अगर आप इन फ्यूचर में कभी भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो NPCI लिंक जरूर करवा लेना चाहिए। इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं कि आपका NPCI लिंक है या फिर नहीं है। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारे आदमी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। बहुत जनों का कहना है कि हमारा जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहले मिल रहा था लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है। इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि आपका NPCI लिंक नहीं है। जो सरकारी योजना का लाभ दिया जाता था वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में दिया जाता था, डायरेक्ट आधार कार्ड के थ्रू से आपके बैंक में पैसा भेजा जाता है। यदि आपका आधार कार्ड NPCI लिंक नहीं होता है तो आपको वो पैसा आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों NPCI क्या होता है? NPCI जैसे कि आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, किसी भी बैंक अकाउंट में आप अपना NPCI लिंक करवा सकते हो। तो एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ, या पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको साथ ही साथ सारा चीज़ आपका एक्टिवेट हो जाता है। उसमें किसी भी तरीके का जो कोई भी ऑप्शन बाद में आपको एक्टिवेशन करवाने का जरूरत है। NPCI लिंक जो भी है वो हाथों हाथ आपका, जैसे आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है उसी समय आपका सारा एक्टिवेशन हो जाता है। लेकिन और भी जो भी बैंक है उसमें क्या है कि किसी का, लेकिन जनरली तौर पे और जो भी बैंक है उसमें आपको ये ऑप्शन जो है अलग से एक्टिवेशन करवाना पड़ता है। इसके लिए आप इस ऑप्शन को एक्टिवेशन करने के लिए आपको अपने ब्रांच में जा कर के बोलना पड़ता है कि मुझे जो है NPCI लिंक करवाना है, तब जा कर के वो आपका जो NPCI लिंक कर देते हैं। किसी भी तरीके का गवर्नमेंट स्कीम का यदि आप लाभ लेना चाहते हो या फिर लाभ आने वाला होता है तो आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों इस सभी जानकारी को जानने के बाद अब हम बात कर लें कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है NPCI लिंक है या फिर नहीं है। तो आप किस तरीके से प्रोसेस कीजिएगा, सबसे आसान स्टेप मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद पे सर्च करना NPCI स्टेटस, जैसे NPCI स्टेटस लिख करके सर्च कीजिएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें से आप ये ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे जो लिंक दिखाई दे रहा है सीधा आपको इस लिंक के ऊपर में एक क्लिक कर देना है। लिंक अभी काम नहीं कर रहा है, इसको जब भी आप ट्राई कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। इसका आधार नंबर टाइप कर देना, या फिर अगर आपके पास में वर्चुअल आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जो भी यहाँ पे कैप्चा दिखाई देगा उस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेंड OTP के ऊपर में क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन को चेक करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP जाएगा, OTP आपको वेरीफाई कर लेना। आप जैसे OTP वेरीफाई कर लीजिएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पूरा क्लियर लिखा हो कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार हैज़ बीन डन। आप देख पा रहे हैं कि कौन से बैंक में आपका NPCI लिंक करा हुआ वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, कब से NPCI लिंक किया हुआ वो भी दिखाई दे रहा है, और इसका स्टेटस भी एक्टिव दिखाई दे रहा है, मतलब आपका जो है NPCI लिंक है। टिप के बदले कुछ और दिखा दे या फिर यहाँ पे किसी भी तरीके का एरर है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो NPCI लिंक नहीं है। तो जिस भी बैंक का खाता है वहाँ पे आपको जाकर के उनको बोलना है कि हमको NPCI लिंक कर दीजिए। इस तरीके से आप अपना NPCI लिंक स्टेटस चेक कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो समझ में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और भी नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।